हे गाइस, अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे आप अपना फाइवर अकाउंट बना सकते हैं और दोस्तों किस प्रकार से इस पे वर्क करके पहले ही दिन के अंदर अकाउंट बनाने के बाद आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं। तो वीडियो पर पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो कुछ भी लगे तो वीडियो लाइक कर लीजिए। वीडियो बने आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों पूरा पेशेंस के साथ वीडियो देखें। मैं इसमें कंप्लीट बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपना फाइवर अकाउंट बनाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके साथ दोस्तों मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में कि आपको फाइवर अकाउंट बनाते ही आपको कैसे ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 2 से 3 डेज के अंदर दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और फाइवर यहां पर सर्च करना है। जैसे आप फाइवर सर्च करेंगे ये देख लीजिए, फाइवर सर्च हो गया है और फाइवर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कोने पे ये ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन और देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक है फेसबुक वाला ऑप्शन और दूसरा है गूगल वाला, और तीसरा ऑप्शन है आप अपने मैनुअल तरीके से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल के आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं गूगल के साथ साइन अप करके दिखाता हूँ आपको। गूगल के साथ साइन अप करने में काफ़ी ईजी होता है। तो देख लीजिए, ये मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और गूगल के साथ इसको साइन अप कर लेते हैं। ये हो गया साइन अप। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपकी नेम यूज़र नेम यही रखें, ईमेल आईडी यही रखें और ज्वाइन पर सीधा ही क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको ये आपकी आईडी बन चुकी है फाइवर की। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जाना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर जाना है। सबसे पहले अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको कंप्लीट अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। कोई भी आपके पास जो भी आपकी फ़ोटो अवेलेबल हो वो फ़ोटो यहाँ पर अपने अपलोड कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहला काम कर लीजिए ये फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, प्रोफाइल मोड है, आप सेलर हैं, यहाँ पर भी आप कुछ भी अपना जो टैग लाइन हो सकती है वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू, मतलब आप क्या हैं, बिजनेस हैं, फ्रीलांसर हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो भी ये पूछ रहा है, विच इंडस्ट्री डज वर्क प्लेस बिजनेस बिलोंग टू, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर इंटरनेट मार्केट, इंटरनेट सिक्योरिटी या फिर आपका जो इंटरेस्ट है यहाँ पर आप डाल के इसको सेव कर लीजिए। जैसे मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ तो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सोशल एप, और यहाँ से आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आ जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल होता है इसी का होता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिखना है कि आप क्या वर्क करेंगे, उसके साथ दोस्तों आप क्या एक्स्ट्रा देंगे अपने बायर्स को, अपने कस्टमर को। अगर अपने कस्टमर को अगर आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे तो वो आपके साथ क्यों वर्क करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यही है, आज की दुनिया में सब कुछ एक्सपर्ट हैं और सब कुछ एडवांस हैं। तो दोस्तों उनको अगर आपसे सर्विस क्यों लेगा, कोई बंदा आपसे सर्विस इसलिए लेगा कि आप उनको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो। अगर सपोज करें कि मैं इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ या फिर मैं सोशल मीडिया एड रन्स करने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उनको अलग से मेरी तरफ से कुछ ऐड करके दे सकता हूँ कि मैं आपके सोशल मीडिया का एक अट्रैक्टिव बैनर, जो बैनर होता है जो प्रमोट करने के लिए बैनर होता है, वो बैनर भी मैं बना के मेरे हिसाब से मैं आपको पर आपके जो सोशल मीडिया है वो मैं प्रमोशन करूँगा। तो उस तरह से आप एक्स्ट्रा कुछ दीजिए। यहाँ पर
अपने बारे में लिखिए, मैं ये वर्क कर सकता हूँ और मैं मेरे साथ जुड़ने के मेरे से मेरे को ऑर्डर देने के साथ आपको ये बेनिफिट और है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिख लीजिए। उसके बाद आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, आपकी लैंग्वेज यहाँ से आप इंग्लिश तो बेसिक होती है, बेसिक की जगह आप और भी अगर फ्लुएंट है तो आप फ्लुएंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी है अपने हिसाब से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेसिक ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा है स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पर ऐड करके आप अपनी लैंग्वेज और भी हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी जो भी बंगाली जो भी आपकी लैंग्वेज है होम टाउन की वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आपको इस टेस्ट टेकन को कुछ नहीं करना है, आपको कुछ टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। उसके बाद दोस्तों हाँ, टेस्ट उस कंडीशन में देना है अगर आप अडोबी प्रीमियर के आप फोटो एडिटर हैं, या फिर आप कोई वीडियो एडिटर हैं, या फिर आप कोई ऐसी सर्विस जो कि आप प्रैक्टिकल के बिना नहीं, मतलब उसका टेस्ट होगा, इसके अंदर स्किल आपकी जांची जाएगी, आपको प्रॉपर तरीके से वर्क आता है या नहीं आता है वो सारा ये टेस्ट के अंदर आता है, तो आपको उसमें टेस्ट देना होगा, अदरवाइज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने अकाउंट्स लिंक कर दीजिए, आपको यहाँ पर गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, अपने जो भी है वीमियो अकाउंट, गिटहब के अकाउंट, सारे एक ट्विटर अकाउंट, सारे अकाउंट यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। उसके बाद स्किल पर बात करते हैं। स्किल पर वही होता है दोस्तों, जिस वर्क के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, फीवर पर आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि आप यहाँ पर स्किल पर वो लिख लीजिए और ज़्यादा स्किल ऐड मत कीजिए, आप 2 या 4 स्किल ही ऐड कीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो गिग होती है और आपकी जो प्रोफाइल होती है वो सर्च रैंक में आती हैं, ये डेफिनेटली आपको कोई नहीं बताएगा। बट दोस्तों जितने भी बड़े बड़े लेवल वाले होते हैं, जो 3rd लेवल या 5th लेवल के जो यूज़र्स हो, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनकी जो जो प्रोफाइल रैंकिंग होती है वो होती है दोस्तों उनके लेवल के हिसाब से सर्च में आती है। अदरवाइज जो न्यू कमर्स हैं उनकी लेवल जो प्रोफाइल सर्चिंग में आती हैं वो अपने उसके स्किल के हिसाब से आती हैं। तो आप अपने स्किल पर और अपने डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दें, जिससे आपकी प्रोफाइल जल्द से जल्द आप जो बायर्स होंगे उनको दिखेगी और आपको मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपके एजुकेशन, जो भी आपने एजुकेशन कर रखी है वो, और जो आप सर्विस दे रहे हैं उस फील्ड में क्या है, और सर्टिफिकेशन दोस्तों, सर्टिफिकेशन के अंदर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर ज़रूर से आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके ऐड कर लीजिए, या अदरवाइज नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट पूछने वाला नहीं है, तो ये वर्क आप कर सकते हैं अपने फाइवर के साथ। तो सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप पहले अपने डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दें, डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दें, उसके बाद दोस्तों अपने जो स्किल्स हैं इस पे ध्यान दें, और स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्किल आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, अपने स्किल के बारे में यहाँ पर डाल दीजिए, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं डालना है आपको, और सिंपल सा आपकी प्रोफाइल को सेव कर लेना है आपको, जैसे जैसे वर्क करते जाएँ सेव करते जाएँ। सेव करने के बाद दोस्तों आपके ऑटोमेटिक आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 2 से 3 डेज के अंदर। ये आप गारंटी के साथ लिख के ले लो मेरे से कि आपको विद इन 2 से 3 डे के अंदर आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों गिग कैसे बनानी है इसके ऊपर भी आपको वीडियो में बहुत ही जल्दी दे दूंगा कि आप किस तरह से गिग बनाएंगे, जिससे आपको जो मतलब आपकी गिग देखते ही आपके गिग पर क्लिक करेगा बंदा। तो दोस्तों आपको पेशेंस रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे एक दिन के अंदर कोई बिलीनियर नहीं बनता है, उसके एक बिलीनियर बनने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, कई सारी मेहनत होती है। तो दोस्तों आप भी ये वर्क करेंगे तो होगा और पेशेंस रखेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। तो बस आज की वीडियो में यही था दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो में नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।